राजस्थान टूर की शुरुआत हमने मारवाड़ रीजन जोधपुर से करी, जिसको ब्लू सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान में हॉस्पिटैलिटी किसको बोलते हैं, इसका अंदाजा हमें जोधपुर रेलवे स्टेशन पर ही हो गया। लोकल्स बहुत ही फ्रेंडली और हम्बल हैं। हम तो सफिशिएंट टाइम लेकर आए हैं, लेकिन अगर आप केवल 2 घंटे के लिए भी जोधपुर आएंगे तो आप हॉस्पिटैलिटी मिस नहीं कर सकते, ना ही आप कचौड़ी मिस करना चाहेंगे। ओ गॉड, बहुत ही क्रिस्प कचौड़ी है। खंबागनी जोधपुर। हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। मेरी बैक साइड में आप जोधपुर का मोस्ट फेमस मेहरानगढ़ फोर्ट देख रहे हैं। बैक साइड लेफ्ट और राइट साइड ब्लू सिटी हाउसेस, जोधपुर शहर। बहुत खूबसूरत नजारा है। इस समय हम फोर्ट के सामने टीले पे खड़े होकर ये ब्यूटी इंजॉय कर रहे हैं। 15-20 मिनट यहाँ रुकेंगे, खूबसूरती शहर की इंजॉय करेंगे और उसके बाद फोर्ट विजिट करके फूड जर्नी की शुरुआत करेंगे। फोर्ट में एंट्री टिकट लेके हम अंदर आए। मेरे साथ इस समय गाइड साहब हैं, ललित जी। सर, आप हमें फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में कुछ बता सकते हैं? अवश्य बताएंगे सर। जिस किले में आप खड़े हैं, ये किला मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण राव जोधा द्वारा 1459 में किया गया था। किला अभी एक प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा चलता है। किले को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसका एक बहुत ही सुंदरतम दृश्य लिफ्ट के बाहर की तरफ दिखाई देगा, जो ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका एक नाम सूर्य नगरी भी है। लेकिन और ऊपर जाके आप इसका एक व्यू देखेंगे, तो एरियल व्यू देखेंगे तो आपको तो लगता है कि इसका ऊपर का जो सेक्शन है वो मयूर के पंख की तरह, इसीलिए इसका नाम एक मयूर ध्वज भी रखा गया। किले का सबसे सुंदरतम पार्ट है वो है फूल महल, जो जिसको देखते ही आप दंग रह जाएंगे और दांतों तले अंगुली दबाने की कोशिश करेंगे। ये किला प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा चलता है और सुबह 9 से 5 बजे का देखने का समय इस किले का है। किले का म्यूजियम देखने का समय लगभग 1 से 1.5 घंटा है, लेकिन पूरा किला अगर आप अच्छी तरह से देखना चाहें तो कम से कम 3 घंटे देना आपको अनिवार्य है। जिस जगह सर अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, आप सामने व्यू देखो कितना खूबसूरत है। पूरा जोधपुर शहर दिखाई दे रहा है, सामने लेक व्यू हाइट पे। टू गुड, 15-20 मिनट आधा घंटा तो सर यहाँ खड़े हो और फील लो जगह की, उसमें मजा आएगा। सर, आपने हमें बहुत अच्छे से पूरा किला दिखाया। दोबारा आएंगे तो दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू टेक माई सर्विसेज। ओके, थैंक यू। मुझे याद आ गया, 1.5 साल पहले जब मैं जयपुर गया था तो वहाँ मैंने कचौड़ी खाई थी, जो मुझे बहुत स्वाद लगी थी। काफ़ी सारे व्यूअर्स के कमेंट आए थे कि आप जोधपुर आओ, कोटा आओ, कचौड़ी खाओ, याद करोगे। जोधपुर तो पहुँच ही चुके हैं, बहुत सारे स्वाद के तलाश में आज का दिन। जोधपुर आने के बाद पहली कचौड़ी, मैंने सुना कचौड़ी अपने आप में ही इतनी टेस्टी होती है कि ना आपको चटनी चाहिए ना किसी तरह की सब्जी चाहिए। इस टाइम गर्मा गर्म कचौड़ी बनी, मैंने अभी अंदर बनते हुए देखा। घी में ये लोग कचौड़ी बना रहे हैं और अंदर फिलिंग है दाल की। ओ गॉड, बहुत ही क्रिस्प कचौड़ी है। अभी तो खाने से पहले ही मजा आ गया इसका टेक्सचर और क्रिस्पीनेस देखकर। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहला जो एहसास है वो है प्योर घी का। कचौड़ी में जो क्रिस्पीनेस है ना, बहुत ही शानदार है। गर्मा गर्म कचौड़ी, ये ऐसी कचौड़ी है कि आपने एक बाइट ली, इसको मुंह में डाला और मुंह में ही घुल गई। इतनी सॉफ्ट और इतनी जबरदस्त टेस्ट, ब्रिलियंट। जैसे जैसे मैं कचौड़ी को एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे को ना अंदर की स्टफिंग का मजा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक्चुअली में स्टफिंग माइंड नहीं है, अच्छे से लोडेड है। सर से मैंने बात करी, इन्होंने बताया 80 साल पुरानी इनकी ये शॉप है। कचौड़ी के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारी स्वीट्स भी हैं इनके पास। सर, इसका नाम लाल भट्टी भी है शॉप का? जी सर। अच्छा, लाल भट्टी के नाम से भी जाना जाती है शॉप। वेरी गुड।
जालोरी गेट पर हम चाय पीने आए। इस चाय की खास बात क्या है, नीचे इनके पास एक भट्टी लगी हुई है जिसमें कंटिन्यूसली दूध बॉयल हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, पीतल के बर्तन पे चाय को तैयार किया जा रहा है, दूध सेपरेट बॉयल हो रहा है और चाय बनकर दोनों को मिक्सिंग करी जा रही है। तो देखने से लगता है चाय काफ़ी गाढ़ी होनी चाहिए, गाढ़े दूध की। वाकई एब्सोल्युटली दूध अच्छे से गाढ़ा है, गुड नाइस। ओवरऑल सिंपल चाय है बट गेम सारी यहाँ पर दूध की है। हम इस समय श्री अचलनाथ महादेव मंदिर आए। अंदर मंदिर में जाके मैंने माथा टेका। मेरे साथ इस समय मंदिर के प्रधान जी हैं। सर आप हमें मंदिर के बारे में प्लीज कुछ बता देंगे? जी सर, अचलनाथ महादेव मंदिर जोधपुर शहर का प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर करीब 500 वर्ष पुराना है। अचलनाथ महादेव में जो दो प्रतिमा लगी हुई है, एक अचलनाथ महादेव की और दूसरी नर्मदेश्वर की, जो पीला शिवलिंग है यहाँ पर प्रतिष्ठा हुआ है, ये अचलनाथ मंदिर स्वयं यहीं से प्रकट हुआ है, इसलिए इसका मंदिर का नाम अचलनाथ महादेव पड़ा हुआ है। जय शंकर। जय शंकर। घास मंडी एरिया जो कि काफ़ी क्राउडेड है, वहाँ पर हम मावा कचौड़ी खाने पहुँचे हैं। मैंने यहाँ पर देखा मावे की स्टफिंग कर रहे हैं कचौड़ी के अंदर, उसके बाद उसको तल रहे हैं, ऊपर चाशनी डालकर इन्होंने कचौड़ी तैयार करके मेरे को दी है। गुड, स्टफिंग सही है, चाशनी है तो मीठा ही। जोधपुर में प्याज कचौड़ी, दाल की स्टफिंग, मावा, इस तरह की कचौड़ी बहुत चलती हैं। अभी मैं आज भी हूँ यहाँ पर, कल भी हूँ, और भी वैरायटीज ट्राई करूँगा कचौड़ी के अंदर। ये मावे के अंदर जो आप स्टफिंग देख रहे हो ना, इसके अंदर सबसे जो ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है मावा के अलावा वो है इलायची का। बाकी टेस्ट डिसेंट है, चाशनी थोड़ी सी और ज़्यादा मीठा रहता, थिक रहती तो मज़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाता, बट अदरवाइज डिसेंट। जैसे जैसे मैं जोधपुर में शहर में घूम रहा हूँ, मुझे इस बात का एहसास हो रहा है जो 60-70 साल पुराने आउटलेट्स हैं फूड के, जैसे यहाँ हम खड़े हैं, ये 70 साल पुरानी दुकान है, इन्होंने समय के साथ अपने सिस्टम को रेनोवेट नहीं किया, तो मेथड ऑफ कुकिंग, शॉप की अपकीप थोड़े अभी ट्रेडिशनल स्टाइल के हिसाब से पुराना है। बट यस, लोग आते हैं इस तरह के फूड जॉइंट्स में टेस्ट इंजॉय करने। आज के दिन में दो कचौड़ी वैरायटी तो एक्सपीरियंस कर ली, आने वाले दिनों में और भी करेंगे। इस समय हम जा रहे हैं स्टेप वेल देखने। मानेक चौक एरिया में मैं तूर जी का झालरा देखने आया। एक तरह से स्टेप वेल है, कितनी नैरो सीढ़ियों से मैं उतर रहा हूं नीचे। अब देखिए ये लगभग 30 से 40 फीट तो नीचे है ग्राउंड लेवल से पानी। अब इससे लगभग 150 फीट आप और नीचे जाएंगे तो आपको इस तरह से स्टेयर्स दिखाई देंगी। पुराने ज़माने में जहाँ भी वाटर लेवल था उस वाटर लेवल तक लोग जाया करते थे, नहा लेते थे, घर के लिए पानी ले जाया करते थे, स्पेशली लेडीज़ जिनको अपनी हाउस होल्ड की नीड्स पूरा करने के लिए यहाँ से पानी लेके जाया करते थे। काफ़ी कम टूरिस्ट जानते इस जगह के बारे में, हमें किसी के थ्रू पता लगा, आप वहाँ ज़रूर जाना। हालाँकि ये ऐसा छलांग मार के पानी में जंप कर रहे हैं, काफ़ी डीप है, अवॉइड करना चाहिए। मैं ग्वारफली और केर सांगरी खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में जितनी ग्वारफली ग्रो होती है उसकी लगभग 45-50% राजस्थान में ग्रो होती है, जिसका मतलब आप ग्वारफली बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। किसी भी स्टेट का अगर आप ट्रेडिशनल फूड इंजॉय करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया होता है कि उस स्टेट की आप फूड की थाली खा लो। इस समय हम सरदारपुरा एरिया में जिप्सी रेस्टोरेंट पहुंचे हैं राजस्थानी थाली खाने के लिए। थाली में तो ऑलमोस्ट सब कुछ आ चुका है, मैं खास एक्साइटेड हूं 3 या 4 चीज के लिए, मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 ग्वारफली, अदर थिंग इज केर सांगरी की ये सब्जी,
इसके लिए तो ना जाने मैं कब से इंतजार कर रहा था कि राजस्थान में जाके खाऊंगा। और आपको दिखाने के लिए मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स भी मंगा लिए हैं, सामने ट्रे में पड़े हुए हैं। कुमटिया, केर, सांगरी, गुंदा, अचार में भी डलता है, और मिर्च। सुखा लेते हैं केर और सांगरी को, और उसके बाद वो लंबे समय तक वेजिटेबल में बनाने में काम आता है। सबसे पहले बाजरे का सोगरा, आप इसका साइज देखो, कितना क्यूट और गुड लुकिंग है, आई मीन इनवाइटिंग है। बाजरे की रोटी बड़ी कम खाने को मिलती है, कहीं ऑथेंटिक ट्रेडिशनल फूड किसी स्टेट में खा रहे हो तो बहुत मज़ा आता है। राजस्थान गुजरात में मैंने खाया, साथ में इस तरह से केर सांगरी की सब्जी। बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरे को केर सांगरी की सब्जी खा के। मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों मज़ा आ रहा है। एक तो आपने जो गूंदा देखा था वो अचार में डलता है, वो खटास का काम कर रहा है हल्का हल्का, साथ में वेजिटेबल बहुत टेस्टी है। और अदर थिंग जो हमें मज़ा आ रहा है खाने में वो है हींग का, टू गुड। बहुत मज़ेदार है। तो जिस दाल बाटी चूरमा का जिक्र करना आपको भूल ही गया, ये भी एक रीज़न है कि मैं राजस्थानी थाली के लिए बहुत एक्साइटेड था। इंदौर में मैंने बाफला खाया, बाफला की ही फैमिली को कह सकते हैं दाल बाटी बिलोंग करता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। जैसे मैंने वहाँ समझा था कि बाफला को बनाने में दही का इस्तेमाल करते हैं इंदौर में, लेकिन इस बाटी को बनाने में दही का इस्तेमाल नहीं करते। और ये चूरमे का लड्डू है जो इन्होंने सेपरेटली दिया, ऑब्वियसली इसके अंदर शुगर है, लेकिन ये बाटी के चूरे से ही बना है। ये दाल है और इसके अंदर बाटी को क्रश कर दिया इन्होंने सर्व करते समय। ये इन्होंने क्या सिस्टम, मुझे लग रहा है कम कम क्वांटिटी इसलिए दे रहे हैं कि अगर किसी को पसंद आए तो और ले लो, ना पसंद आए तो वेस्ट ना हो, ऐसा मेरे को लगता है। मैंने अभी ने 2-3 स्पून ले ली है दाल बाटी के एज ए कॉम्बिनेशन। बाटी तो अच्छा है, बाटी के साथ साथ ना मेरे को दाल बहुत अच्छी लग रही है। इनफैक्ट बाटी से ज्यादा मेरे को दाल का स्वाद आ रहा है, क्योंकि इसमें 3 तरह की दाल इस्तेमाल हुई है, 2 तो मूंग में और 1 उड़द के अंदर। ये मैंने ऑर्डर देते समय समझ लिया था दाल कैसे बनाते हैं हम। लेकिन आपको मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, जो इस बाइट में है वो है दाल के अंदर लौंग का इस्तेमाल, यूनिक फ्लेवर। गुड, थोड़ी सी दाल और एक और बाटी मैं मंगाता हूँ। ये काम मैं फर्स्ट कटोरी में भूल गया था, इंजॉय करने के लिए घी डालो ऊपर। ट्रस्ट मी, जो टेस्ट आ रहा था ना दाल बाटी का, मैं तो वैसे बड़ा खुश था, वो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया घी डालते ही। मेरे को काफी लोगों ने बोला कि आपको खीच खाने को लिए मिलेगी सर्दियों में, तो आप थोड़ा रुक जाते हैं 2-3 महीना। चांस की बात ऐसी है कि यहां पर अपने को खीच मिल गई। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये खीच और चने दाल से बनती है डिश। अब खीच क्या है, ये भी रॉ सामने कटोरी में पड़ा हुआ है, आप देखिए। वीट का हस्क निकाला, थोड़ा सा उसमें पानी का ऊपर से डालकर हल्का सा मॉइस्चर दिया और उसको पीस दिया, तो ब्रोकन वीट विथ सम मॉइस्चर, ये कहना गलत नहीं होगा। ओ गॉड, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, पहली बार खा रहा हूँ। सिर्फ थोड़ा बहुत मैंने समझा था कि राजस्थान में आपको खीच का बहुत मजा आएगा। एक्सीलेंट टेस्ट, वैसे बड़ा जबरदस्त है और घी ने तो जान डाल दी। मलाई गट्टा, ये जो आप देख रहे हैं ये तो गट्टा है जो कि बेसन से बना है। ग्रेवी है जिसके अंदर मावा और दही का इस्तेमाल किया गया। अभी तुम्हारे राजस्थान टूर की शुरुआत हुई है, आई एम श्योर आने वाले दिनों में मेरे फूड एक्सपीरियंसेस और बेहतर होंगे, मैं और इन्जॉय करूंगा। अभी हम इस थाली को धीरे धीरे फिनिश करते हैं, आधा घंटा लगेगा इसको खत्म करने में, मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। अगर आपके कुछ जोधपुर फूड से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस हैं तो हमसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा, हमेशा की तरह मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। अभी हम 1-2 दिन यहाँ पर और रुकेंगे, उसके बाद जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद बीकानेर, मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है मेरे को राजस्थानी फूड खाने में,
दैट्स इट, थैंक्स फॉर योर टाइम।